अपनी आगरा पहुंच के लिए रेडी हो? हाँ, तुझे धक्का देने इसने मुझे धक्का दे देने अगर मुझे कुछ हो गया तो 25 से 30 रुपए हो गए मेरे अकाउंट में, देख लेना उनका क्या करना। तैयार हो? आओ आपको अपने साथ एक और सफर पर लेकर चलता हूँ। जिंदगी की इस तेज रफ्तार में मैं जहां भी जाऊं आप सब मेरे साथ रहेंगे। कहां जा रहा हूं बताता हूं, रुको जरा। भाई अगर ट्रैवल कर रहे हो पासपोर्ट रख लिया करो, क्योंकि असी गड्डी च बह गए थे, 3 मिनट बाद बिलाल भाई नू याद आया मैं अपना पासपोर्ट भूल गया। अपने आप नू भूल जाओ, अपना पासपोर्ट ना भूलो, अपने अंदर दी इंसानियत नू भूल जाओ, अपना पासपोर्ट ना भूलो, अपनी मोहब्बत नू भूल जाओ, अपना पासपोर्ट ना भूलो। पासपोर्टा ने जेड़ा है पूरी दुनिया नू अलग कीता होया। आई थिंक बंदे नू हुन ग्लोबल पासपोर्ट। वी बिलीव इन अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? माइट जुत्ता लवा ना, लोग फ्री का शापर देंगे ना कपड़े पालवा, 30,000 का टेची, अंदर समान मेरा 6,000 का होना, टेची 30,000 का, यह की गल हुई। मेरा भरा बिलाल ते मैं असी टोरंटो जा रहे हैं, तुसी वेख सकते हो जी लगान मूवी की शूटिंग हुई थी, ऐ दूजी साइड तो खेलेगा। कोई गल नहीं लाल साहब, तुसी सानू देता धोखा, लेकिन कोई गल नहीं, ऐ वेख रहे हो बिग एंड पावरफुल, स्मॉल एंड लिटल। एक मेरी बात हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी कभी भी ड्यूटी फ्री नहीं होना, अपनी ड्यूटी हमेशा पूरी करनी है। जड़ा बंदा अपने काम नाल सिंसियर नहीं ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਸੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਤਰ ਇੱਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰੀ ਦਾ, 2-250 pounds ਦਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਬ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਰੀ ਕੀ ਟੇਸਟਿੰਗ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਆਫਰਸ ਮਿਲੇਂਗੇ ਆਪਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਆਫਰਸ ਕੀ ਭਾਵਨਾਓਂ ਮੇਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਆਫਰਸ ਕੇ ਪੀਛੇ एक राज छुपा होता है, ग्रेट ऑफर्स के पीछे एक ग्रेट फ्रॉड होता है, याद रखना। मिशन इम्पॉसिबल की अगली के लिए वो टॉम क्रूज की जगह मुझे उन्होंने बुलाया। डिग गया डिग गया डिग गया डिग गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट हवा में जाने ही लगे थे हम, तो वापस लेके जा रहे हैं पायलट साहब के जी, वो कोई चेक रह गया, मेंटेनेंस चेक मिस हो गया, भूल गए। वाह, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा पीआईए को मसला हो, सारे शुरू हो जाते हैं, अब देख लो। अरे भाई वक्त की को कदर है तुम लोगों को हमारे? जी आ गए हैं, कनेडा आ गए हैं। ਇਹ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਟੈਸਲਾ ਚਾਇਓ ਤੇ ਤਕੱਲੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? Let's go Toronto. I am in Toronto. London से निकला मैं सुबह 6:30 बजे, यहाँ मैं पहुंचा और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपका भाई सोया नहीं हुआ, लेकिन जब आपका भाई की नींद नहीं सोया होता ना तब ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। I don't know why. भाई किदा बान जाइन की हाल ने तोड़े? की ना है? सुल्तान, ए सुल्तान, दिल में तेरे मिट्टी। It's a beautiful city as they said, just like you all, ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties. Thank you. Toronto की जो हिस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जो एक बड़ी मजेदार चीज है जो लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता मैं टोरंटो आ गया। बंदा जिससे मिलना बड़ा जरूरी है इसको रीसेंटर कर ले, उमर मुख्तार। किधर भाग रही हैं आप सबूर जी, अब भाग किधर रही हैं? ऐसे बात कैसा लग रहा है आपको, टोरंटो का मौसम कैसा लग रहा है? सुहाना। ठीक है जी, व्हाट एन ऑनर टू मीट यू इन टोरंटो। टोरंटो आते से पहली फीलिंग क्या थी? मुझे, मैंने अपने दिल से अगर मैं नॉमिनेटेड हूँ तो मैं जीत कर जाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो मुझे इतना प्यार मिल गया है लोगों से। प्यारी बात की है यार, की अगर ये अवार्ड, ये मोहब्बत ही हमारा अवार्ड है, आप लोगों का प्यार ही हमारा अवार्ड है।
नियाग्रा फॉल्स जा रहे हैं हम, कल गर्मी थी आज ठंड है। NIC गुम गया सबूर अली का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अब इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब इसका कोई नहीं रह गया इसका। मुझे पहचान था, मैंने आइडेंटिटी अपनी बनाई है। ये माइक ड्रॉप। सबूर जी एक बात बताएं, पाकिस्तान में किस तरह और जो एक लड़के लड़कियां जो स्टार बनना चाहते हैं और शोबिज इंडस्ट्री में आना चाहते हैं किस तरह आ सकते हैं? लगे रहे। कहाँ लगे रहे? सोने लगे रहे। देखिए मेरी बात सुने, लगे रहे इस तरह कि ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचना, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के थ्रू चीजें हो जाती है। और अपने ऊपर काम करें, एक्टर बनना आसान काम नहीं है। मूवीज देखें, ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करें और करते हैं कुछ अटेंशन टू डिटेल, ऑब्जर्व करें, नेटवर्क उन्होंने कहा है, कनेक्शन भाई, अपना एक ही ऊपर वाले के साथ कनेक्शन होना चाहिए, सारा काम हो जाता है। नियाग्रा फॉल्स के लिए रेडी हो? हाँ, तुझे धक्का देने इसने मुझे धक्का दे देना अगर मुझे कुछ हो गया तो 25 से 30 रुपए हो गए मेरे अकाउंट में, देख लेना उनका क्या करना। जारा जी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप नियाग्रा फॉल्स से? मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंट होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से। मैंने सुना कि वहाँ बहुत पानी है। बहुत पानी है? हाँ, बहुत। सिर्फ दुख ही मिलता है। भाभी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाभी। ये हमारी बड़ी VIP भाभी है, अभी भाभी की फ्रेश फ्रेश शादी हुई और मैं स्पेशल कराची गया था, आप देख ले, मैं स्पेशल टिकट कटवा के गया था, तो सोच ले फिर भाभी आपकी एक्सपेक्ट कर रही है। इंशाल्लाह भाईजान, आप पहले गए नियाग्रा फॉल्स तो नियाग्रा वाले कहाँ गए थे? वो कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। सफर के दौरान जगह से ज्यादा इर्द गिर्द के लोग अच्छे हों तो वो दिन और भी यादगार बन जाता है। एक्साइटेड? वेरी मच Excited? Very. देखो ये बच्चे नहीं स्कूल ट्रिप पे आते, full excitement. Let's go. Niagara Falls. And if you fall from here, you never come back. ये जो मैंने कैप्चर कर लिया ना, wow, good man. YouTuber? Yes. Oh great. Yes. What's your channel? Mohammed Saqib. So you are from Korea? Yeah. What brings you to Niagara Falls? Just for travel. When are you coming to Pakistan? Next year. Lo ji, vaada ho gaya. Next year, my new friend from Korea is coming to Pakistan. Done? Yep. We will show you Liberty Chowk. Wow. You're very famous. No. You are famous. Please follow him. Friends, friends, life. Let me show you. Camera ki aankh. नहीं अदा कर सकती इसकी खूबसूरती का, इसकी खूबसूरती का हक नहीं अदा कर सकती कैमरे की आंख। ये बस आप मेरे एक्सप्रेशंस को देखकर समझने की कोशिश करें इस नजारे को, अकेला होता इधर तो शायद इतना मजा ना आता, आप सब मेरे साथ हो तो एक और किस्म की फीलिंग है। ये टेलीस्कोप से आपको दूर नजर आएगा कि क्या है? अब जाने लगे हैं हम असल एडवेंचर के लिए। जी रेडी हो? बिल्कुल रेडी है। रेडी है, बिल्कुल रेडी नहीं है, फुल डरी हुई है। ये कॉस्ट्यूम पहन लेंगे। थैंक यू। वैसे तो ये जगह काफी खूनखार जंगों का भी मुकाम रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस जगह को 200 साल तक हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। हिस्ट्री सो स्ट्रेंज येट इंटरेस्टिंग, वॉर्स कैन बी एसोसिएटेड विद लव एट टाइम्स, बट वेल दैट्स अ पर्सपेक्टिव। लोग इसे अक्सर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। 176 फीट ऊंचाई के साथ तकरीबन 28 मिलियन लीटर पानी हर सेकंड यहां से गुजरता है। Isn't that amazing? भाईजान कैसा लगा आपको? सर बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। देखो इन्होंने, आपने एंजॉय किया? बिल्कुल एंजॉय किया, आप बताएं। यार मैं तो कमाल, मजा आ गया, स्वाद आ गया, ऐसे लगा मैंने को बहुत मजेदार मटन कढ़ाई खाई है। सबूर कैसा लगा तुम्हें ये शिप का टूर?
यार बस बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। क्या स्टार स्ट्रक हो गई है? बस चल ज्यादा रही हूँ। आपको मजा आया? बहुत मजा आया, पर टांगे टूट चुकी यार, थक गए हैं, लेकिन कमाल था। और एंड में जो झटका पड़ा ना एक दफा, हमें लगा ओए ओए, लेकिन बच गए। When it comes to beauty, God has blessed Pakistan with immense natural beauty. लेकिन हम आलूदगी से अपनी जगहों को बिगाड़ देते हैं। इधर तकरीबन 4.4 मिलियन लोग हर साल आते हैं, लेकिन इस जगह की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। शायद यहाँ के लॉ स्ट्रिक्ट हैं, या यहाँ के लोग इन जगहों को वैल्यू ज़्यादा करते हैं। भाईजान आपका शुक्रिया, आप ना होते, आप ना होते तो हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाते, आप ना होते तो सफर का पता ही ना चलता। अरे वाह, पता नहीं क्या बोला, उल्टा बोल दिया भाईजान, बोला आपने। लेकिन मुझे पता आप दिल में कुछ और बोलना चाह रहे थे। लव यू, नहीं नहीं लव यू भाईजान, थैंक यू। और आपने जो माशाल्लाह फरारी की स्पीड पे गाड़ी चलाई है ना, ये आपकी वजह से आज हम रोशनी में निकले थे, रोशनी में वापस पहुंच गए। तो यहाँ हो रही है रिहर्सल्स हम अवार्ड्स की, तो हमने कहा अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, कल अवार्ड है, अभी इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कैसे हैं, इनकी तबीयत कैसी है, इन्होंने खाना वाना खाया है, रोटी वोटी खादी है ना, नहीं अब प्रैक्टिस ही करी जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो। और यहां हमारी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक चमकते सितारे से, our very own star, Myra Khan. फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग में, एक और दिन, एक और नजरिए के साथ। We all know कि पाकिस्तान is going through one of the most catastrophic climate disasters the world has ever seen. 33 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हो चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जानवर काश्त, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां का जान भी लोगों की चली गई है। लेकिन अगर आप मुझे देख सकते हैं तो हम ब्लेस्ड हैं, वी आर प्रिविलेज्ड, और अगर हम प्रिविलेज्ड हैं तो वी हैव टू डू समथिंग फॉर दोज पीपल हु आर नॉट। तो ये वक्त है इकट्ठा होने का, टू यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर दीज पीपल, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग। लेकिन जिस तरह भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली थ्रू योर सोशल मीडिया बाय रेजिंग अवेयरनेस, मॉरली इफ यू नो समवन हु इज बीन अफेक्टेड, और उनकी फैमिली का कोई बंदा अफेक्टेड है, टू स्पीक टू देम। सो देयर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि इस तरह की कोई सेकेंड वेव ना आ।